बच्चे हैं छत्तीसगढ़ के जवांगा, आप स्कूल का नाम बताओ? कन्या शिक्षा परिसर जवांगा। हाँ, और आप इतना मतलब नेटवर्क इशू है तो भी क्यों अटेंड कर रहे हो बताओ? क्योंकि हम लोग को इंग्लिश सीखना है। हाँ, और आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि अरे कभी नेटवर्क नहीं है तो कैसे करते हो फिर? बाद में नोट्स ले लेते हैं। हाँ, और कोशिश करते हैं ना, करते हैं। पर आप लोग ये नहीं सोचते कि अरे छोड़ो नहीं करते, तो सोचते हो ऐसा? नहीं सोचते है ना, इनसे पूछिए, आप कभी सोचते हो है ना? इसका मतलब है आप लोग सब सीखना चाहते हो, है ना? हाँ, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब देख के आपको ना विजुअलाइज करना है। अच्छा, बर्ड से बाहर है तो कैसे बोलोगे? आर चर्पिंग, चर्पिंग बर्ड बताया था ट्विटर, है ना? सपोज मैं इसके चक्कर लगा रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम मेकिंग राउंड्स ऑफ हर, है ना? चक्कर लगाना, ओके? बताया था एक्टिविटी वाला, क्या कर रही हूँ मैं अभी? रोलिंग माय हैंड, और ये रिस्ट है तो रिस्ट भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मुट्ठी। हाँ देखो, मुट्ठी को फिस्ट बोलते हैं, बट आप यूज करोगे कभी तो हो पाएगा ना। मेक अ फिस्ट, एवरीवन मेक अ फिस्ट, मेक अ फिस्ट। तो इंग्लिश में बोलते हैं क्लेंच योर फिस्ट और अनक्लेंच, क्लेंच योर फिस्ट, अनक्लेंच, क्लेंच, अनक्लेंच। अब एक बार में तो याद नहीं, आसमान को देखे क्या लग रहा है कि इज इट गोइंग टू रेन, मतलब पानी गिरने वाला है क्या बताओ? मैम, आप बोलोगे किसी को पूछना है हाउ इज द वेदर, बोलो पूछ देख के बोलो, बोलो आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन। हाँ, और आपको बोलना है जैसे बादल, इट्स क्लाउडी, है ना? क्लाउडी मतलब क्या होगा? बादल छाया हुआ है ना, तो इट इज क्लाउडी, ओके? अब आप इनको बोलो मेक इट क्लीन, इनको बोलो क्या समझे आप? मेक अ लाइन, क्यों मतलब लाइन? अब मेरे को बोलना है लाइन आउट, इसका मतलब थ्री ऑफ मी, आप बोलो इनको मेक इट लाइन पे आना है ना आपको, लाइन पे आना है मेक इट क्यू। अब मैं मान लो बीच में आ जाती हूँ, ओके? तो आप क्या बोलोगे? डोंट डिस्टर्ब द लाइन, है ना? डोंट, हाँ, और डोंट कम इन बिटवीन, है ना? बीच में मत आओ, ओके? और आपको बोलना है देखो जैसे कि ऐसे लोग खड़े, ऐसे खड़े हुए तो मैं बोलूँगी स्प्रेड आउट, है ना? मतलब दूर दूर हटो, स्प्रेड आउट, प्लीज स्प्रेड आउट, ओके? वन आर्म डिस्टेंस, मे टू वन आर्म डिस्टेंस, तो आप एक आर्म से खड़े होगे डिस्टेंस में, है ना? ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा बोलना है ना। सपोज इसने चोटी बनाई है ना, क्या बोलते हैं चोटी को इंग्लिश में? ब्रेड, वो खाने वाला ब्रेड नहीं है ना, ठीक है ना? बी आर ई ए डी होता है वो, और ये वाला क्या है? बी आर ए आई डी, ठीक है? या पोनीटेल किसी ने बनाया? पोनीटेल बन एक छोटी। अच्छा, आप लोग को तो यहाँ पे, हाँ, सपोज आई हैव मेड अ पोनीटेल, मतलब मैंने एक चोटी बनाई है एंड मैंने बाल खुला रखा है, कौन बता सकता है मैं इसको एक्सप्रेस कैसे करूँ? मैंने बाल खुला रखा है, आपको बोलना है मैम ने बाल खुला रखा है, कैसे बोलोगे? ठीक है, मैं बता रहा, मैम हैज केप्ट हर हेयर्स ओपन, बोलो हेयर्स ओपन, जिस आपको बोलना है बाल खुले मत रखो, डोंट कीप योर हेयर्स ओपन, आपको बोलना है चोटी बना लो मेक अ ब्रेड, है ना? शी हैज केप्ट टू ब्रेड्स, है ना? दो छोटी बनाई है, ऐसे आप बोलो कि पानी गिरने वाला है, ओले बरसने वाले, ओले को क्या बोलते हैं? हेल स्टॉर्म्स, इट्स हेलिंग, इट इज हेलिंग, मतलब ओले गिर रहे, ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको नहीं बताया था भैया, पिछली बार बताया था आपके नोट से, फिर आपको नोट दे दूँगा। टीवी देखो, घर में कौन कौन टीवी देखता है? अभी तो घर हॉस्टलर्स हो आप लोग, है? यस यस, देखते हो? यस। तो आप बोले करो वेयर द रिमोट, चेंज द चैनल, ठीक है, स्विच द चैनल, ऐसे करके ट्यून इन टू कलर्स चैनल, ट्यून इन मतलब लगाना, तो ऐसे जब टीवी देखते हो तब बोला करो, ओके? ऑल द बेस्ट, और आप फिर से
ध्यान कीजिएगा, भले ही आप लोग का नेटवर्क इशू रहता है कुछ भी रहता है ना। तो आप देख सकते हो कि ये बच्चे हैं छत्तीसगढ़ के जवांगा, आप स्कूल का नाम बताओ, कन्या शिक्षा परिसर जवांगा। हाँ, और आप इतना मतलब नेटवर्क इशू है तो भी क्यों अटेंड कर रहे हो बताओ? क्योंकि हम लोग को इंग्लिश सीखना है। हाँ, और आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि अरे कभी नेटवर्क नहीं है तो कैसे करते हो? फिर बाद में नोट्स ले लेते हैं। हाँ, और कोशिश करते हैं ना, करते हैं। पर आप लोग ये नहीं सोचते कि अरे छोड़ो, नहीं करते सोचते हो ऐसा? नहीं सोचते हैं ना। मैम इनसे पूछिए, आप कभी सोचते हो ना? इसका मतलब है आप लोग सब सीखना चाहते हो, है ना? और बाकी 9th 10th के है ना, अगर सर चाहेंगे तो 9th से मैं सोच रही हूँ बोलने का, 9th से ही सही रहेगा, है ना? 9th से शुरू करोगे तब 12th जाके कुछ कर पाएंगे, है ना मैम? यस मैम। तो आप ऐसे थोड़ा थोड़ा बोलो, लिखो, कौन कौन लिखता है कुछ कुछ लिखते हो? तो आने वाली क्लासेस में आपको पर्सनालिटी का मैं कुछ बताऊंगी, ठीक है? जैसे कि आपको लिखना है 5 अपने बारे में अच्छी चीज, आपको क्या लगता है? 5 आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे अंदर बुरा है, उससे आपको पर्सनालिटी आपकी चेंज होगी, है ना? कभी कभी लगता है ना कि मैं बहुत लेट से समझती हूँ, किसी को लगता है कि मेरे लगता है? किसी किसको लगता है? मुझे भी लगता था, क्योंकि कुछ चीज़ों में है ना लगता है ना, पर आपको कंपेयर नहीं करना, आपको सोचना है कि मेरे अंदर क्या खूबी है, ठीक है? वो और एक्टिविटी मैं करवाऊंगी थोड़े दिनों बाद, ठीक है? भले नेटवर्क कोशिश रहेगी, नेटवर्क रहे आप लोग का। यस मैम, ऑल द बेस्ट सबको, बाय बाय। होप यू लाइक द इंटरेक्शन ऑफ माई विद दी स्टूडेंट्स। अब ये कुछ समरी है जो मैंने पढ़ाया है। जैसे कि आप मुट्ठी खोलने को बोलते हो अनक्लेंच, मुट्ठी बंद करने को क्लेंच योर फिस्ट, किसी के चक्कर लगाने को बोलोगे मेकिंग राउंड्स ऑफ समवन, स्प्रेड आउट मतलब दूर दूर हट जाओ, चहचहाने को चर्पिंग और ट्विटरिंग, लाइन में कोई जबरदस्ती घुस जाता है तो आप बोलोगे डोंट डिस्टर्ब द लाइन और डोंट इंटरप्ट द लाइन, लाइन में आ जाओ को आप बोलोगे बी इन अ लाइन और मेक अ क्यू, इस तरीके से आप बोल सकते हो। क्यू मतलब लाइन होता है, जनरली बिगिनर्स को नहीं पता होता। पैर पटकने को बोलते हैं स्टैम्प योर फीट, डोंट स्टैम्प योर फीट, पैर मत पटको। अब वेदर से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी थी, जैसे कि ओलो को आप बोलोगे हेल स्टॉर्म्स, ओले बरस रहे हैं इट्स हेलिंग, अगर मौसम सही नहीं लग रहा है, पानी गिरने ऐसा लग रहा है तो आप बोल सकते इट्स अ क्लाउडी डे, हैवी डाउनपोर का मतलब है बहुत ज़्यादा वर्षा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग एक इडियम है जो कि बहुत ज़्यादा वर्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आपको बोलना मैं भीग गई तो आप बोल सकते हो आई गॉट ड्रेंच्ड। होप यू लाइक दिस एफर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।